हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, क्या हाल आप सबका। करंटली दोस्तों मैं अपने घर में पखांजूर में हूँ दोस्तों। और आज जो दोस्तों हमारा एक ब्रीडर मेल और उसके साथ दो ब्रीडिंग फीमेल सोल्ड आउट, एक्चुअली सोल्ड आउट हो चुका है। तो आज हम लोग दोस्तों उसको पैक करके डालने वाले। ये जो हमारा बर्ड है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए जाने वाला है। और अपने पास का जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो बर्ड था दोस्तों, हेवी साइज डबल बॉडी में, बहुत हेवी साइज का बर्ड है दोस्तों। और ये रिसेंटली जो है अपने ये एक सब्सक्राइबर है उनके पास ये जा रहा है। अभी चले फ्रेंड्स, फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर दिया है ये डाग जो है दोस्तों उड़ीसा के लिए जा रहा है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के लिए क्या है दोस्तों, डायरेक्ट बस अवेलेबल है रायपुर से। तो यहां से मैं सुबह जो है रायपुर के लिए अपने बस में डालूंगा पखांजूर से। फिर रायपुर में जो है फिर वहां से बस पलटी होगा, वहां से जो है भुवनेश्वर डायरेक्ट बस में डालेगा। और ये जो है हमारा बर्ड से दोस्तों, ये हमारा मेल है। ये होगा लगभग आपका 1.5 साल के आसपास मेल का एज, बट बहुत हेवी साइज का है दोस्तों। मेरे पास ब्रीडर के लिए ये भी रखा हुआ था। और अभी एक्चुअली सही में बोलूं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। इसको सिर्फ और सिर्फ मैं कलर के वजह से अपने पास नहीं रख रहा हूँ, क्यों अभी क्या है थोड़ा पोंड्रम वगैरह का मेरे को पर्सनली पसंद है इस वजह से। तो ये हमारा मेल है और इसके साथ दो फीमेल आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है और रेयर बर्ड्स है, ब्रीडिंग फीमेल्स है। तो ये एक मेल के साथ दो फीमेल टोटली जा रहा है, तो कल भेज रहा हूँ दोस्तों फाइनली। तो एक दिन पहले तैयारी करना जरूरी है, तो तैयारी वगैरह लगभग हो चुका है। इसका बॉक्स वगैरह बन चुका है, बॉक्स में ही भेजूंगा क्योंकि बस में होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी वेट करते दोस्तों सुबह होने का, फिर सुबह हम लोग इसको अच्छे से पैक करके फिर बस में डालेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फाइनली सुबह हो चुका है और लगभग अभी सुबह का 4:30 बज रहा है। अभी अपने फार्म में दोस्तों, अभी यहाँ से सीधा मैं निकलने वाला हूँ पखांजूर के लिए। और बर्ड हमारा पखांजूर में, वहीं पे जो है फिर पैकिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये आप घड़ी देख सकते हो, सुबह का 4:30 बज रहा है और बिल्कुल अंधेरा है और थोड़ा ठंड भी पड़ने लगा यार। अभी चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट पखांजूर पहुंचते हैं और आगे जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जस्ट मैंने अभी पखांजूर पहुंचा है दोस्तों, और हमारा जो बर्ड है यहाँ पीछे तरफ ही है। तो हमारा जो बॉक्स पहले निकाल लेते हैं, उसमें टमाटो वगैरह डालते हैं, उसके बाद जो है फिर बर्ड्स को हम लोग डालेंगे दोस्तों कार्टून बॉक्स में। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बर्ड है, तीनों इत्मीनान से सो रहे दोस्तों। अभी सोते हुए कंडीशन में ही इसको भेजना है। ये देखिए हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी है। अब इसमें सबसे पहले टमाटर डाल देंगे। एक जगह रखो ना, नीचे पायखाना ऊपर रखो ना, जरा पुरुष का जगह रहो। और ये हमारा कार्टून बॉक्स है दोस्तों, टोमेटो डालिए आधा आधा दी तो। और इसमें देखिए दोस्तों, कभी भी आप पार्सल जैसे पैक करते हो ना, तो आपको टमाटो देने के लिए दोस्तों इस टाइप का दो बनाना रहेगा। टमाटर बीच में ऐसा नहीं कि आप डाल दिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, बॉडी बर्ड का गीला होता है और उसमें सीआरडी का इशू हो सकता है, चाहे छोटे से छोटे बच्चे रहे चाहे बड़े से बड़ा बर्ड रहे। ठीक है, ये कुछ चीजें ध्यान देना होता है। तो इसी के चलते दोस्तों मैं डिटेल्स में ये वीडियो बना रहा हूँ। आधा आधा दिए दोनों, अभी डाल देते दोस्तों टमाटर। अच्छे से दोस्तों हमने टमाटर इसमें भर दिए है। अभी अभी जैसे ये बैठेंगे ना, तो थोड़ा जगह बैलेंस हो जाएगा, दिक्कत नहीं। काफी बड़ा कार्टून है दोस्तों, और इसको चलिए टेपिंग वगैरह कर लेते हैं। हमारा जो है बर्ड्स अच्छे से पैक हो गया है। यहाँ पे डिटेल सब चेक कर सकते हो दोस्तों, टू करण यादव उनका मोबाइल नंबर, फ्रॉम आदि भाई मेरा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सेकंड जो लोकेशन है दोस्तों टू चंद्रू भुवनेश्वर उनका नंबर, फ्रॉम करण यादव। क्योंकि क्या है दोस्तों, पहले पखांजूर से रायपुर जाएगा, फिर रायपुर से भुवनेश्वर। तो मैंने टोटल यहाँ पे मेंशन करके ऊपर से टेपिंग भी कर दिया है, ताकि बिल्कुल करण भाई को हाथ ना देना पड़े और बिल्कुल बर्ड हमारा सेफली पहुंचे दोस्तों। तो बर्ड यहाँ पे है अभी, ये देखिए सारे बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों बस स्टैंड, फिर वहां पे जाकर के इसको फिर हम लोग बस में डाल देते हैं दोस्तों, लोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है बॉक्स हमने बाइक पे बांध लिया है, चढ़ा लिया। अभी चलिए दोस्तों चलते हैं बस स्टैंड। ठीक है,
पुराना बाजार बस स्टैंड पखांजुर्गी। दोस्तों फाइनली जो है मैं पुराना बाजार बस स्टैंड के लिए पहुंच चुका हूँ। ये आप देख सकते हो पुराना बाजार बस स्टैंड है और ये हमारा सुभाष चंद्र बोस चौक। काफ़ी ठंड है यार, अभी करते वेट बस का, लगभग अभी 5:30 बज रहा है, ठीक, और थोड़ा टाइम लगेगा बस को आने में। दोस्तों फाइनली जो है हमारा रायपुर बस आ चुका है बस स्टैंड में काफी लेट के बाद दोस्तों, और टाइमिंग जो है दोस्तों अभी 5:50 हो रहा है, ठीक है। अभी इसको डालते दोस्तों डिग्गी में और फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करते दोस्तों। हमारा जो पार्सल फाइनली बस में डल चुका है और आगे का जो है डिटेल्स यार मैं रायपुर में पहुंचने के बाद आपको सेंड करूंगा दोस्तों। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, ये माल जो पहुंचने तक का वीडियो बनेगा, ठीक है। हाँ चाह ऊपर रेत में डाल दी, वहाँ ऊपर रेत में जा। रायपुर रू आशिला कुकुड़ा हमारा पहुंच जाएगी। Thank you.